इस लेक्चर वीडियो में साउंड वेव टॉपिक के जो भी सारे क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव कंप्रेशंस ऑफ ए साउंड वेव? टू कंजुकेटिव कंप्रेशंस और टू कंजुकेटिव रेयरफैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ. सो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रेवल? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ये एक मैकेनिकल वेव है. सो आंसर विल बी डी. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू कंजुकेटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट? इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. एंड इसका इनवर्स होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ ए साउंड वेव? माइंड फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है उसको पिच बोलते हैं. सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पिच ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी पिच लो होगी. सो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच. सो आंसर विल बी ए. व्हाट डू वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू? इस प्रकार से कोई साउंड वेव बनती है तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है ये, कंप्रेशन साइड में ये है, रेयरफैक्शन साइड में ये ऐसा कुछ होगा. तो इनका वैल्यू होती है वो सेम होती है एंड इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ साउंड वेव? स्पीड ऑफ साउंड वेव होता है लेमडा वेवलेंथ अपॉन टी टाइम पीरियड, और वन अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी. सो स्पीड ऑफ साउंड वेव इक्वल होगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द रिस्पांस ऑफ द ईयर टू द साउंड नोन एज? रिस्पांस ऑफ द ईयर टू द साउंड इज नोन एज लाउडनेस, और ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड होगा वो इंक्रीज होगा. सो आंसर विल बी ए. व्हाट इज द सुपरसोनिक स्पीड? कोई ऑब्जेक्ट अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसको हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं. सो व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड? सो आंसर विल बी ए. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? इट इज 331 मीटर पर सेकेंड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड. सो हेयर आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स विल साउंड ट्रेवल विथ ग्रेटर स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? यहाँ पे ये सॉलिड का एग्जाम्पल है, ये लिक्विड का है और ये गैस का है. तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है तो यहाँ सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन आएगा. सो आंसर विल बी ए. Which of the following are generally used to reduce reverberations in an auditorium as sound absorbent? Compressed fiber board, rough plaster or draperies, तीनों ही use किए जाते हैं as a sound absorber. So answer will be D. What is the audible range of sound for human being? Human being के लिए audible range होता है sound का, वो होता है 20 hertz से 20 kilohertz. तो answer will be C. 20 hertz to 20,000 hertz, answer C. What are the ultrasonic sounds? अगर 20 kilohertz से ज्यादा frequency की sound होती है उसको ultrasonic sound बोलते हैं, और जो 20 hertz से कम की होती है उसको infrasonic बोलते हैं. तो यहाँ पे answer होगा B. Sound of frequency above 20 kilohertz. Which of the following sound is produced by earthquake before the main shock wave? मेन शॉकवेव अर्थ पे पहुंचने से पहले कुछ इंफ्रासोनिक साउंड है वो जनरेट होते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं वो सुन पाते हैं. तो काफी बार देखा जाता है कि अर्थक्वेक से पहले एनिमल्स कुछ डिफरेंटली बिहेव करते हैं. सो हेयर आंसर विल बी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव आर यूज इन इकोकार्डियोग्राफी? सो विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स आर यूज इन इकोकार्डियोग्राफी? मेडिकल साइंस में मोस्टली अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है और इकोकार्डियोग्राफी में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं. सो आंसर विल बी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग सोनार? सोनार टेक्निक यूज करते हुए, सोनार टेक्निक में किसी बोट में
कोई सिस्टम रखा जाता है उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो इमिट की जाती हैं, और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होकर अल्ट्रासोनिक वेव वापस बोर्ड तक पहुंचते हैं। इसमें जितना टाइम लगा इसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे और कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में, ये सब कुछ हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉल्फिन्स भी नेविगेट करते टाइम इस टेक्निक का यूज करती हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, इससे उन्हें पता चल जाता है कि आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अपरेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड लिसनर इज डिक्रीज्ड। अगर सोर्स ऑफ द साउंड और लिसनर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, और अगर वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से तो इस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ऐसा रेल के हॉर्न पे भी सुनाई देता है, अगर रेल अपनी तरफ आ रही है तो हमें हायर पिच की साउंड सुनाई देगी, अगर दूर जा रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी लो पिच की साउंड सुनाई देगी। सो हेयर आंसर विल बी ए। व्हाट विल बी अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड लिसनर मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके कारण कुछ भी चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉपलर इफेक्ट इज नॉट सीन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड लिसनर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द साउंड वेलोसिटी। जब सोर्स और लिसनर की जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो अगर साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है तो उस केस में डॉपलर इफेक्ट नहीं सुनाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इफेक्ट नहीं दिखेगा इसका। Which of the following condition will not show any Doppler effect when source and listener both are at rest? इस केस में Doppler effect नहीं दिखेगा। When medium alone is moving, इस केस में भी कोई Doppler effect नहीं आएगा। When source and listener are moving in mutually perpendicular directions, इस केस में भी कोई Doppler effect नहीं होता है। So answer will be D, all of the above are correct. Which of the following is the cause of echo? Reflection of sound is cause of echo. So answer will be See, when sound is reflected. Which of these parts of the ear responds to sound wave like microphones, diaphragm? ये होता है ear drum. ये भी वैसे ही act करता है जैसे कि microphone का diaphragm act करता है. Which of the following is another unit of frequency? Frequency की एक unit होती है hertz, and 1 hertz is equal to 1 cycle per second. So here answer will be B. What is the relationship between the velocity of sound and the pressure of gas when the temperature remains constant? Temperature increase करने पे gases में sound की velocity increase होती है, लेकिन अगर temperature constant हो और pressure vary करे तो sound की speed पे कोई भी effect नहीं आता है उसका। So answer will be C, independent of each other. Next, which of the following is correct? Which of the following is correct about the speed of sound at the temperature? Which of the following is correct about speed of sound at same temperature? Gases में जब temperature increase किया जाता है तो density decrease होती है और velocity होती है जो sound की वो increase होती है। अगर dry air और humid air को compare करें तो dry air की density होगी वो ज़्यादा होगी, humid air की density होगी वो कम होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वाटर का जो वाटर वेपर है तो वाटर का मोलिकुलर वेट है वो कम है कंपेरेटिवली मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो जहां जहां पे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे वहां पे अब वाटर के पार्टिकल्स हैं। सो अब जो है ह्यूमिड एयर उसकी डेंसिटी कम है और डेंसिटी कम होगी तो वहां पे साउंड की वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी गैसेज में। सो आंसर विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए साउंड वेव। It is a mechanical wave. So answer will be A. Which of the following is correct about the properties of sound wave? Sound wave are longitudinal waves. Sound wave में जैसे ये particles हैं तो particles भी ऐसे ऐसे oscillate करते हैं इस direction में और sound wave travel करती है वो भी same direction में करती है। So answer will be A. Which of the following is correct about compression in sound wave? Compressions are region of low pressure and low density, high pressure and low density, high pressure and high density. Compressions वो region है जहाँ पे कि
डेंसिटी भी ज्यादा होती है और प्रेशर भी ज्यादा होता है, और रेड फ्रैक्शन वो रीजन है जहाँ पे डेंसिटी भी कम होगी और प्रेशर भी कम होगा। बेसिकली प्रेशर कम होगा इसके इफेक्ट के कारण डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं लो प्रेशर में। द नॉइज ऑफ 100 dB इज एज्यूम टू बी ए नॉइज प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन ऑफ द शॉप, सो आंसर विल बी डी। नॉर्मल हम कन्वर्सेशन करते हैं उसमें जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो 40 to 45 dB होती है, और 75 dB से हाई हो तो WHO के अकॉर्डिंग वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज फॉर, डेसिबल इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वैसे बेल होता है लेकिन इसका स्मॉल 1/10 पार्ट अगर हम ले तो वो होता है डेसिबल, तो 1 dB विल बी इक्वल टू 1 B, और सो 10 dB विल बी इक्वल टू 1 bell। सोनार इज फ्रीक्वेंटली यूज बाई नेविगेटर्स। द पिच ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन ऑफ ए कमिंग ट्रेन अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। द डिवाइस थ्रू विच द डेप्थ ऑफ सी इज मेजर्ड बाई द यूज ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एज सोनार। द डिवाइस टू रिकॉर्ड एनी एंड रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज ग्रामोफोन। अर्ली डेज में इसका यूज किया जाता था रिकॉर्ड करके कोई साउंड उसको वापस सुनने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, इन विच ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेज में। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वुड जो कि सॉलिड है, उसके बाद होगा वाटर में, उसके बाद गैस है। एयर में अगर 0 degree और 100 degree centigrade पे कंपेयर करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड इंक्रीज होती है, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ऑप्शन ए आएगा। विच यूनिट इज यूज टू मेजर नॉइज, डेसिबल इज यूज टू मेजर नॉइज, और ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट है। इकोकार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं, और डॉपलर इफेक्ट के कारण ब्लड प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हार्ट में वो पता कर सकते हैं। विच वन रिवेल्स मोर एप्रोप्रिएटली फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, इट इज इकोकार्डियोग्राम। ये RRB के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। द परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड टू प्रोड्यूस दैट साउंड इज रिवर्बरेशंस। कोई सोर्स है जिसने साउंड जनरेट करना स्टॉप कर दिया है लेकिन उसके बाद भी काफी टाइम तक साउंड सुनाई देगा, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशंस। मैच नंबर इज द रेशियो ऑफ, मैक नंबर जो होता है ये रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी का। एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है जो कि स्पीड जो साउंड की होती है उससे भी ज्यादा स्पीड पे सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, तो मैक नंबर उनके लिए होगा सुपरसोनिक स्पीड पे जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए 1 से ज्यादा होगा। सो मैक नंबर विल बी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, सो आंसर विल बी सी। एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स साउंड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग इफ इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन 75 dB। टेक्निक्स और मेथड टू अब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाई सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड एज एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एलिफेंट्स यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, और डॉल्फिन्स रैट्स और बैट्स यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। सो इस लेक्चर वीडियो का अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।